हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ खुशी और आपकी खुशी के चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज जैसे कि आपको पता है कि मैं राजस्थान ट्रिप पे आई हुई हूँ, तो मैं आई हुई हूँ आज अपनी दीदी के घर। तो मेरी दीदी का जो किचन है बहुत ही शानदार किचन बना हुआ है, तो मैं आपको किचन का टूर करवाती हूँ। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर देना, शेयर कर लेना, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आपकी खुशी के चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में जो घंटे का बटन होता है ना वो ज़रूर से दबा लेना ताकि मेरी वीडियो का सारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और आप वीडियो देख सकें। तो चलिए मैं आपको किचन का टूर करवाती हूँ। तो ये देखिए, ये है सबसे पहले दरवाज़ा, और इसके बाद हम चलते हैं अंदर। तो दीदी की जो किचन है ये एल शेप में बनी हुई है, काफ़ी लंबी चौड़ी है, इसे काफ़ी बड़ी किचन है। तो पहले तो मैं आपको ऐसे दिखा देती हूँ, फिर आपको मैं जूम करके अच्छे से दिखाऊंगी। पूरा फुल जैसे कमरे की तरह किचन बनी हुई है, इतनी बड़ी किचन है। ये देखिए ऊपर तक। तो यहाँ पर क्रॉकरी के लिए ये स्पेस बना हुआ है, ये ओपन रखा हुआ है, और ऊपर ऐसे इसके ऐसे दरवाज़ा लगा हुआ है। तो ऊपर भी दीदी ने ऐसे क्रॉकरी रखे हुए हैं, कांच के गिलास वगैरह ऐसे रखे हुए हैं, और अंदर लाइटें लगी हुई है। तो ये नीचे नीचे वाला पोर्शन पूरा ओपन है और ऊपर बॉक्स वाला है। तो एक ये चीज भी बड़ी शानदार है, ये देखिए ऐसे ऐसे कुछ भी इसमें कूट सकते हैं। और इसके अंदर भी ऐसे मतलब आप सामान रख सकते हैं ऐसे। और स्लैब देखिए कितनी लंबी है, यहाँ से ये देखो, और ये बड़ी सारी चिमनी लगी हुई है यहाँ पर, क्योंकि इतनी बड़ी किचन है तो इतनी बड़ी वाली चिमनी इसमें जरूरी है। और यहाँ पर दीदी ने रखा हुआ है मटका, मटके का पानी पीना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, फ्रिज का थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। और ये वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर विंडो बनी हुई है, और नीचे ये सारे कैबिनेट है, इसके अंदर सारे बर्तन जो भी आपके एक्स्ट्रा कंटेनर्स वगैरह होते हैं वो इसके अंदर रख लेते हैं दीदी। ये देखो इसके अंदर आरओ आ गया, इसके दीदी ने ऐसे गेट लगा लिया तो ये पूरा अंदर चुभ गया, तो ये सारी चीज़ें अंदर आ जाती है, बाहर नहीं दिखाई देती। और
इसके ऊपर गीजर लगा हुआ है और इसके अंदर यहाँ पर बर्तन धो धो के और यहाँ पे रख सकते हैं। और इस साइड में दीदी ने लगाया हुआ है फ्रिज और यहाँ पर ये है नोटबुक, इसके अंदर कुछ भी लिखना हो तो। ये इसके अंदर है ना, कुछ भी ऐसे आप इलायची अदरक वगैरह कूट सकते हैं, बादाम पीस सकते हैं, ऐसे पीस के देके और दूध में मिला के पी लो। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी दीदी की किचन। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर लेना और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।